दोस्तों बुरे वक्त में की थी सारस की मदद, अब ये सच्चे दोस्त की तरह निभाता है बंदे का साथ। अतरंगी दोस्ती का ये मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का है, जहां गौरीगंज स्थित गांव मंडखा मजरे औरंगाबाद में रहने वाले एक जनाब की सारस से इतनी पक्की यारी है कि उनकी कहानी सोशल मीडिया पर छा गई। बंदे का नाम मोहम्मद आरिफ है, जिससे एक सारस ने जिगरी दोस्ती कर ली है। जी हाँ, सारस उनका साथ नहीं छोड़ता, चाहे आरिफ सड़क पर बाइक ही क्यों न चला रहा हो। रिपोर्ट के अनुसार ये सारस आरिफ को साल भर पहले एक खेत में मिला था, उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। ऐसे में आरिफ ने इंसानियत दिखाई और सारस को अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने उसकी देखभाल की। जब सारस ठीक हो गया तो उन्होंने सोचा कि वो वापस अपने साथियों के बीच चला जाएगा, लेकिन सारस ने अपनों के बीच जाने के बजाय आरिफ के साथ रहना चुना। अब दोनों की पक्की दोस्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके पास एक सारस पक्षी है और उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, जामू ब्लॉक अमेठी जिला में मजरे रामपुर औरंगाबाद मंडका गांव है मेरा। ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे, वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज उलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाए जहाँ से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया कि जहाँ हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चला जाता है, 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहे बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है, उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसको प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, ये बरामदे में जाके छुप जाता है। जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं, तो ये अपने घर वापस, मेरे घर मतलब वापस चला आता है। घर के और सदस्यों के साथ जो है इसका व्यवहार कोई खास नहीं है, काटने दौड़ता है किसी को, और लोग डरते भी हैं इससे, इसलिए कोई इसको पास नहीं जाता, हम ही सिर्फ पास जाते हैं, हम ही को सिर्फ मानता है। तो मानने का कारण क्या है? अब यही ऊपर वाली कोई मर्जी है, भगवान की, अल्लाह की कोई मर्जी है, और उसमें हम क्या बता सकें। कहीं ना कहीं जो है आपने इसका इलाज किया है? इलाज किया है, हो सकता है उसी वजह से हमको मानता हूँ।